So whenever we were making any changes to the application, we would first stop the application, save the changes and then restart the application for changes to take effect. अगर आपको ऐसा नहीं करना है कि आपने एक बार सर्वर को चालू कर दिए, फिर आप जो भी चेंजेस कर रहे हैं आप सिर्फ सेव करो, वो चेंजेस इफेक्ट हो जाएंगे सर्वर के ऊपर. तो उसके लिए डेव टूल डिपेंडेंसी है. क्या है? डेव टूल्स. तो फॉर्म में गए तो पॉप के लिए क्या करते हैं, वी गो टू स्प्रिंग इनिशियलाइजर, वे वी गो ताकि डिपेंडेंसी उठाने के लिए ना, इनिशियलाइजर में गए. और क्या चाहिए मुझे डिपेंडेंसी? डेव टूल्स. ठीक है, I will search for that. ठीक है, तो क्या सर्च करने का add dependencies में? दिख रहा है dev tools last में? दिख रहा है dev tools. Go to explore और आपको dev tools के dependencies मिल जाएंगे इधर. दिख रहा है dependency for this option should be true. हाँ, option null should be true. Copy this. Go to your form. फॉर्म है, ओके. और इसमें अपने सिर्फ स्टार्टर जेपीए है, वेब है, MySQL है, टेस्ट है. क्या करता हूँ मैं, ये भी ऐड कर देता हूँ. कोई शक? कंट्रोल शिफ्ट एफ टू फॉर्मेट. दिख रहा है किसी ऑर्डर में आ रहा है पूरा, ये किसी पूरा बेकार ऑर्डर में आ रहा है. कंट्रोल शिफ्ट एफ, कंट्रोल शिफ्ट हो गया. राइट क्लिक करो और मैवेन में जाके अपडेट प्रोजेक्ट कर दो अपना NWCP Pro. कोई शक? एंड उसके बाद में आपको एक एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज में आके एक चीज सेट करनी है. क्या करनी है सेट? वो जो मैंने भेजा था ग्रुप पे तुम लोग को, दिस विच आई हैड सेंट, this should be added to the where, to the application properties. कोई शक? अब इससे क्या हो जाएगा? और तीसरा, अगर लोग बोलते हैं कि प्रोजेक्ट में जाने का और ये ना बिल्ड ऑटोमेटिकली इसको चेक कर देने का, इसको क्या कर देने का? चेक. ये तीन स्टेप करने का, डिपेंडेंसी ऐड करने का, इलाइन ऐड करने का और प्रोजेक्ट में जाके तो चेक दिखा है, चेक वो कर देंगे. कोई शक? अभी मैंने सेव किया और अभी अगर मैं जो भी कुछ करूंगा तो मेरे सर्वर पे वो रिफ्लेक्ट होता रहेगा. तो देखना है तो कंट्रोलर में हमने लेट से ऐड एम्प्लॉय करेगा, तो ऐड एम्प्लॉय के बाद में मैं पहले कुछ डिस्प्ले करता हूँ. ठीक है, मैं डिस्प्ले करता हूँ हाई. क्या डिस्प्ले कर रहा हूँ? जब भी मैं ऐड एम्प्लॉय करूँगा तो क्या डिस्प्ले करेगा वो? तो ये ऐड एम्प्लॉय कर रहा हूँ किससे? मैं ऐड एम्प्लॉय बाय रिक्वेस्ट बॉडी और ऐड किससे? रिक्वेस्ट पैरम से. किसे कर रहा हूँ मैं? रिक्वेस्ट पैरम से कर रहा हूँ. तो कॉपी किया मैंने, पहले इसको सर्वर को शुरू तो करो. ओके, सो इट विल टेल अस द स्टार्टअप, इट इज लॉन्चिंग, ओके, एंड इट इज डीबगिंग एंड नाउ इट विल स्टार्टअप एंड यू विल गेट द स्टार्टअप मैसेज. आ गया, स्टार्टअप हो गया. कौन से पोर्ट पे? 807 पे. कितने सेकंड में? 19 सेकंड में. ठीक है, ये मेरा कंसोल है. ये मेरा क्या है? वो हाई का डिस्प्ले होगा कंसोल पे ना, अब रिसेस आउट किया है उसको. अब मैं क्या कर रहा हूँ, जाके मेरे पोस्ट वायर पे हिट करता हूँ एपीआई को. यस, नो, मे बी. अब मैं इस कंट्रोलर में गया और ये मैंने एपीआई को हिट किया.
अब ये एपीआई हिट करते, क्या नाम की एड एम्प्लॉय किसके, ये स्विगी के क्या, एनडब्ल्यूसीसी की। तो यहां पर गए, ये न्यू है ना, न्यू से यू कैन क्रिएट अ कलेक्शन। इधर है कलेक्शन अपने एपीआई का, तो कलेक्शन का नाम देता हूं मैं एनडब्ल्यूसी एपीआई। ओके, अब इसके अंदर अपने कलेक्शन में जाएंगे एनडब्ल्यू। अभी हम क्या कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे ना, पोस्ट कर रहे हैं इसको एनडब्ल्यूसीसी पे, इसको एड एम्प्लॉय को, राइट, एड एम्प्लॉय को। और क्या पास कर रहे हैं अपन उसको, ई नेम और सैलरी, राइट, ई नेम is equal to Tom and salary is equal to 1500। ठीक है, बॉडी में कुछ देने की जरूरत नहीं। तो इससे क्या होगा, मेरा सेंड किया मैंने, देखो ऐड हो गया, रिस्पॉन्स आया कि नहीं, थ्री और टॉम, और मेरा हाई प्रिंट हुआ रहेगा कंसोल पे, हुआ कि नहीं हाई प्रिंट। ठीक है, अब मैं उस हाई को चेंज करके करता हूँ बाय, क्या करता हूँ चेंज बाय, तो डू आई नीड टू शट डाउन द कंट्रोल द एप्लीकेशन, क्या चेंज किया मैंने, बाय किया, सिर्फ सेव किया। इफ यू सी ओवर हियर यू विल सी दिस एप्लीकेशन विल अगेन स्टार्ट। ठीक है, अभी मैं जब उसको रन करूंगा और उसको पास करूंगा टॉम और कर दूंगा जेरी और 1600। ठीक है, स्टार्टअप हो गया, हो गया। अब सेंड किया मैंने, रिस्पॉन्स आया और वहां का डिस्प्ले हुआ कंसोल पे। ठीक है, तो डेव टूल ये करता है, आपको बार बार टर्न करने की जरूरत नहीं पड़ती, कोई शक। तो नाउ नेक्स्ट एपीआई विल बी फाइंड बाय आईडी, व्हाट विल बी डू, ओके विल लिस्ट डाउन द एपीआई विच वी विल डू that we can pick one at a time. Okay, so we have done what, insert using request param, insert using path param, yes, no, maybe, okay, request body key, dekh gaya, ओके, इंसर्ट यूजिंग पाथ पैरम नहीं किए, चलो वो करते हैं, इंसर्ट यूजिंग क्या, पाथ पैरम। तो पाथ पैरम क्या होते हैं, यूआरएल में होते हैं, किस में होते हैं, यूआरएल में होते हैं, तो वो कर लेते हैं। चलो ये ऑफिस कॉपी पेस्ट करता हूँ, ओके, एक फंक्शन बनाता हूँ मैं, ये क्या है, एड एम्प्लॉय, ये एड एम्प्लॉय बाय रिक्वेस्ट बॉडी है, उसका नाम चेंज कर देते हैं अपन, क्या नाम है इसका, एड एम्प्लॉय बाय बाय रिक्वेस्ट पैरम है। अब मैं एक फंक्शन बनाता हूँ जो मुझे देगा रिटर्न करके एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट, क्या नाम से, एड एम्प्लॉय बाय पाथ पैरम, बाय पाथ पैरम, कोई शक, ओके। नाउ आई विल अलॉट दिस एट व्हाट, रिक्वेस्ट मैपिंग, ओके, एंड व्हाट वैल्यू शुड आई गिव इट टू इट, एड
क्या दिया अपन ने ऊपर, एड एम्प्लॉय, एड एम्प्लॉय बाय रिक्वेस्ट बॉडी, ओके ये भी दे देंगे, इसको भी ऊपर भी वो दे देंगे, एड एम्प्लॉय बाय रिक्वेस्ट, बाय रिक्वेस्ट पैरेंट। अब ये क्या हो जाएगा, एड एम्प्लॉय बाय पाथ पैरेंट, मेथड क्या होगा इसका, रिक्वेस्ट मेथड इक्वल्स टू डॉट क्या भेजेगा, पोस्ट, ओके। अब क्या होता है, ये पाथ पैरेंट का पाथ पैरेंट इसके अंदर जगह डेटा जाएगा, एम्प्लॉय नेम और सैलरी, तो स्लैश करने का और कर्ली ब्रैकेट क्या दिया मैंने, ई नेम और स्लैश क्या दिया मैंने, सैलरी, ठीक है, कोई शक। अब यहां पर जो है ये जो है ना पाथ वेरिएबल सेट कर रहा हूं मैं, क्या नाम का, हाँ पाथ वेरिएबल किस नाम का सेट कर रहा हूं मैं, ई नेम, प्रोग्राम के लिए मैं क्या, मेरे प्रोग्राम में क्या करूंगा उसको मैं, स्ट्रिंग ई नेम, समझा तुम लोगों को, और कॉपी एक और पाथ वेरिएबल सेट कर रहा हूं मैं किस नाम का, ठीक है, ये जो दे रहा हूं ना ये सेवा चल सकता, मैंने यहाँ पर दिया है ई नेमी, याद देना पड़ेगा मुझे ई नेमी, ठीक है, और ये मैं यूज करूंगा सेटर के लिए, क्या यूज करूंगा मैं सेटर के लिए, ई नेम, ठीक है, यहाँ पर क्या दिया है मैंने, ठीक है, क्या दूंगा उधर फिर मैं, क्या नाम से, सैली, सैली किस टाइप का है, सैली किस टाइप का है, डबल किस नाम से, अरे कोई शक इसमें, ये रिटर्न नहीं कर रहा ना एम्प्लॉय टाइप का, ये तो उसके लिए क्या करेंगे, अभी एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्या बनाएंगे, एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इवल इज न्यू एम्प्लॉय, और उस इवन को क्या सेट करेंगे, सेट ई नेम एज व्हाट, इनेमी क्या ई नेम, हाँ इनेमी तो यहां से आया है, यहां से मैप होगा किसने आ गया, वो प्रोग्राम में किसको यूज करेंगे अपन, ई नेम को, ठीक है, वो तो बोल रहा हूं मैं कि जो अपना पाथ वेरिएबल इनेमी है उसके लिए वेरिएबल क्या लिया अपने प्रोग्राम में, ई नेम, तो सेट क्या करेंगे उसको, ई नेम, और इसको इवन डॉट सेट सेल को सेल, ठीक है, एंड देन वी विल सेंड दिस टू होम सर्विस, राइट, EMP सर्विस, ठीक है, डॉट एक फंक्शन बना देंगे अपन, क्या नाम से, और क्या पास कर देंगे उसको, E1, ठीक है, और वो जो देगा उसको कर देंगे रिटर्न, वो जो देगा क्या कर देंगे उसको हम रिटर्न कर देंगे, ये फंक्शन है क्या अपने क्लास में, जाएंगे इसको क्रिएट करेंगे, और ये जो ईवन आया है इसको क्या कर देंगे अपन, रिपो से सेव कर देंगे, क्या कर देंगे, EMP रिपो से क्या फंक्शन कॉल करेंगे, सेव, और क्या पास कर देंगे उसको, एंड वी विल रिटर्न दिस, वी विल डू व्हाट, रिटर्न दिस, तो द डेटाबेस विल रिटर्न टू द रिपोजिटरी, रिपोजिटरी विल रिटर्न टू द सर्विस, and service will return to the controller and controller will return to the display, ठीक है, repository इसको return कर रहा, service इसको return कर रहा, controller इसको return कर रहा, front end, ठीक है, अभी save किया इसको, इसको save हो गया, deploy हो गया आपने आप, क्या करने का अभी इसको, sorry कौन सा था ये,
अपना कौन सा है? अपना एनडब्ल्यू सी प्रो है ना। ओके कोई शक क्या था अपना? एड एम्प्लॉय बाय पास बॉर्डर, क्या पास करने का उसको? तो एड एम्प्लॉय बाय पाथ बॉडी, और पाथ वेरिएबल्स क्या क्या जाएंगे? पहला कौन सा है? ई नेम, तो कौन आएगा? स्मिथ, और सैलरी 1800। समझ में आ रहा है? तो पाथ बॉडी, पाथ बॉडी तो खत्म हो गया। उसके बाद जो पहला वेरिएबल है वो किस में जाएगा? इनामी, इनामी किस में जाएगा? ई नेम, और वो सेट हो जाएगा। दूसरा वेरिएबल कौन सा है? सैली, सैली किस में जाएगा? और सैल सेट हो जाएगा। समझ में आ रहा? अभी इसको अपन ने पोस्ट कर देंगे। क्या बोल रहा है जाहिर? नहीं मिला उसको। सेव सेव नहीं, सेव नहीं करते क्या? सेव किया था अपने, ठीक है। सेव के बाद होता रिफ्रेश होता है। क्या बोल रहा है? ये सही है ना? सब स्ट्रीम होकर जितने भी उसको इसमें लगाते हैं क्या? मैं बाद में दे दूँगा। सही है। एरो दिखा रहा ना, ये एरो दिखा रहा है। एड बाय इज एम्प्लॉयज अनडिफाइंड फॉर टाइम एम्प्लॉय सर्विस पिक्चर। एड एम्प्लॉय फंक्शन नहीं बनाया क्या अपन ने? क्रिएट तो किया है ना इसमें। ओके कभी कभी पागल चाली करता है ये। देख सेम फंक्शन है, सेम का सेम फंक्शन है। देखो वो बोला कि डिफाइंड नहीं है उसके अंदर, इसके लिए करना पड़ता है क्लीन और बिल्ड। चल चल प्रोजेक्ट में गया, प्रोजेक्ट को क्लीन किया, प्रोजेक्ट में गया, प्रोजेक्ट को बिल्ड करने का हो गया। सब सही है। अब गया इधर, राइट क्लिक किया, रन एज जावा एप्लीकेशन। पता नहीं क्यों नहीं मिला उसको, वो सेम टू सेम था, नया लिखा भी नहीं। ऑलरेडी था चालू, ठीक रहा है? ऑलरेडी लिसनिंग, तो इसके लिए पहले सारे बंद कर लेगा। तो समझा कि नहीं समझा? फर्स्ट थिंग बता रहा मैंने, पहले सारे स्टॉप करके स्टार्ट कर लेगा। और अभी फिर जब इसको स्टार्ट कर गए हो गया, स्टार्टअप हो गया, और फिर अभी मैं इसको रिक्वेस्ट भेजूंगा। आया क्या नहीं? कुछ किया मैंने? आया क्या नहीं? हाँ फाइव स्मिथ, तो किसे किसे इंसर्ट हुआ? पाथ वेरिएबल, मतलब तीनों तरीके से अपन इंसर्ट कर सकते हैं। ओके ठीक है, पास बाय रिक्वेस्ट पैरा, रिक्वेस्ट बॉडी और रिक्वेस्ट डेटा। अगर लार्ज रहेगा तो ये यूज करो, तो अगर लार्ज रहेगा तो यूज द रिक्वेस्ट बॉडी फ्रेम, ठीक है। नाउ इफ आई वांट टू फाइंड बाय आईडी, सर्च बाय आईडी, क्या करना है अपने को? सर्च बाय द एम्प्लॉय आईडी, और इफ आई वांट टू शो ऑल रिकॉर्ड, शो ऑल रिकॉर्ड, ये करेंगे। ये गेट है, ये क्या है? गेट एपीआई, कौन सी एपीआई है? तो क्या करें, सर्च बाय एम्प्लॉय आईडी, कॉन्टेक्स्ट करो भाई। ओके चलो, तो अभी फाइंड बाय आईडी, तो आपको आईडी किससे लेना है आपकी मर्जी, रिक्वेस्ट पैरम से, क्वेरी पैरम से, या फिर रिक्वेस्ट बॉडी से। तो क्या इजी लग रहा है आपको? दिस इज लुकिंग इजी, थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, रिक्वेस्ट पैरम है ना, फर्स्ट वाला जो था। हेलो क्या कर रहा हूँ अभी मैं?
सर्च बाय, तो मैं दूंगा उसको 5, क्या दूंगा उसको मैं, मुझे 5 का रिकॉर्ड दिखाएगा, क्या दिखाएगा, 5 का रिकॉर्ड दिखाना चाहिए, तो 5 पे किसमें लूंगा, तो एक फंक्शन बनाओ किस नाम से, पब्लिक, इट विल रिटर्न एज द रिकॉर्ड ऑफ द एम्प्लॉय, राइट, इट विल रिटर्न एज द एम्प्लॉय रिकॉर्ड, 5 का रिकॉर्ड दिखाएगा, रिटर्न टाइम एम्प्लॉय है, नाम क्या, सर्च एम्प्लॉई बाय आईडी, ओके, कोई प्रॉब्लम, पब्लिक विद अ स्मॉल पी, पब्लिक विद अ स्मॉल पी, सो फार सो गुड, क्लास क्यों क्लोज नहीं करे, क्लास के बाहर क्यों ले जा तुम्हें, ओके, ये एरर क्यों बता रहा है, क्योंकि आपने रिटर्न नहीं किया एम्प्लॉय टाइप का, इसके लिए एरर बता रहा है, छोड़ दो उसको, अब इसके ऊपर एनोट क्या करो, एट द रेट बोलते रहो, हाँ, रिक्वेस्ट मैपिंग, क्या वैल्यू देना उसको, स्लैश किसे कॉल करना है उसको, वैल्यू इक्वल्स टू स्लैश गेट बाय एम्प्लॉय आईडी, गेट बाय एम्प्लॉय आईडी, मेथड क्या देना है उसको, हाँ भाई, डॉट गेट, गेट कर रहे हैं अपन, करेक्ट, ओके, फिर अपन यहाँ पर पास करेंगे अपने पैरम, है ना, रिक्वेस्ट पैरम, ना क्या नाम देंगे रिक्वेस्ट पैरम को, वहां से जो आएगा क्वेश्चन मार्क के बाद क्या लिखेगा तू, आईडी, तो आईडी देखो, आईडी एनोटेशन भी है, एंटिटी का एनोटेशन है एट आईडी, तो वो सर उल्टा छोड़ दे देगा, तो वहां से मैं दूंगा इनम, क्या दूंगा, इनम भी देखो एक वेरिएबल है, ठीक है, तो मैं दूंगा ई नंबर, क्या दूंगा मैं, यहाँ पर मैं किस में लूंगा प्रोग्राम में उसको, ये दोनों चीजें आपको फर्क करने आना चाहिए, ये समझ में आ रहा, इसके लिए मैं अलग दे रहा था, चलो मैं दूंगा वहां पर, क्या दूंगा मैं ई एन, और मेरे इसमें किसने आएगा ई एन, ई नंबर में, ठीक है, कोई शक एरर की बता रही है, क्योंकि ये क्या बोल रहा है, आप रिटर्निंग एम्प्लॉय पर रिटर्न कर नहीं रहा, उसके लिए फिर क्या कॉल करेंगे अपन, रिटर्न जो रिटर्न करने वाले हैं, तो और किससे कॉल करेंगे, एम्प्लॉय सर्विस, या कौन सा फंक्शन, सेम नाम दे दो, क्या दे दो फंक्शन का नाम भी, सेम नाम दे दो, क्या नाम, और क्या पास कर दो उसको, ई एन ओ, क्या ई एन, ई एन ओ, बिकॉज ई एन तो मेरा, ई एन तो मेरा पोस्टमैन का है, ठीक है, अब ये अभी फंक्शन है क्या अपने पास एम्प्लॉय सर्विस में, उस पर क्लिक करो और वो बोलेगा, तो क्या करो, क्रिएट अ मेथड, ओके, अब ये क्या करेगा, मेरे रिपोजिटरी में जाएगा, किस में जाएगा, ईएमपी रिपो, और उसका एक फंक्शन है फाइंड बाय आईडी, क्या नाम है, दिख रहा है, फाइंड बाय आईडी, और क्या किस कौन सा आईडी से लेना अपने को, ई नंबर और डॉट गेट, क्या करने का, डॉट गेट करने, तो वो रिटर्न क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा, है ना, जो उसने गेट किया क्या करेगा, रिटर्न करेगा ना, तो ये अपनी सर्विस किसको रिटर्न करेगी, तो ये फाइंड बाय आईडी जाएगा रिपोजिटरी के अंदर, का बिल्ट-इन फंक्शन है, ये नंबर देंगे अपने को, वो रिकॉर्ड दे देगा, वो रिकॉर्ड कर देगा रिटर्न, किस टाइप का रिकॉर्ड रहेगा, वो एम्प्लॉय, वो किस में जाएगा फिर, कंट्रोलर में, ठीक है, तो वो किस किस में आएगा, यहाँ पर आएगा ना, वो कर देगा रिटर्न, तो वो रिटर्न हो जाएगा एम्प्लॉय टाइप वाले, कोई शक, अभी क्या अपना गेट एम्प्लॉय बाय आईडी, कॉपी करो उसको, सेव कर दो ताकि रिफ्रेश हो जाए, सेव किया तो ये रिफ्रेश हो गया, ओके, अब क्या करो, पोस्टमैन में जाओ और क्या बोलो, और क्या पाथ वेरिएबल लिया ना अपन ने, क्या यहाँ पर क्या नाम देंगे, वो दिया ना, वेरी पैरम दिया है, तो क्वेश्चन मार्क क्या, ई एन क्या, ई एन ओ, हाँ, ई क्या दिया है अपन ने, रिक्वेस्ट पैरम क्या दिया है, ई एन ओ तो क्लास के लिए है, वहां से क्या है, ई एन, तो क्या देंगे, ई एन, किसका रिकॉर्ड सर्च करना है आपको, जैसे मुझे रिकॉर्ड सर्च करना है, तो सर्च करना है जेरी का, क्या करना है, जेरी का आईडी क्या है, हाँ, फोर, क्या करूंगा, ई एन इक्वल्स टू फोर, मुझे क्या देगा, जेरी का रिकॉर्ड देगा,
क्या ये इतनी लफड़े कर रहा है यार, ये हमारा सर पर आईडी वापस नहीं है कि ये फंक्शन है, ये लफड़े कर रहा हूँ डेव टूल लफड़े कर रहा है, ये सर पर आईडी फंक्शन है ना, देखो क्या बोल रहा है, क्रिएट करो, अब क्रिएट किया तो उसी नाम से है, सेम टू सेम है ना, तो क्या करने का इसको कॉपी करके कट करके यहाँ पेस्ट कर देने का और उसको वाले को डिलीट कर देने का, बन गया, चेंजेस किया, सेव किया और कंट्रोल, अब एरर निकल गया, जाने दे दो, तो डेव टूल्स निकाल दिया बेहतर है। अभी समझ में क्या कर रहा हूँ मैं, कुछ चेंजेस वेंजेस नहीं हो रहे, ओके चलो हो गया। अब मैं क्या कर रहा, यहाँ गया जेरी का चार है ना, तो मैंने क्वेश्चन मार्क ये चार भेजा, तो क्या दिया मेरे को उसने, क्या कर रहा है, ओके मेथड क्या यूज कर रहे हैं अपन, हाँ पोस्ट क्या करना चाहता अपने, तो उसको ब्लेम कर देगा रीड आएगा नहीं, ये भेज दिया फ्रंट एंड को अपना काम हो गया, वही तो आईडी दे रहा है, तेरे को रिकॉर्ड दे रहा हूँ, अब तू उसको डिस्प्ले कर, कोई शक, ये कहता फाइंड बाय आईडी, वांट टू डू फाइंड ऑल, फाइंड क्या ऑल, तो क्या करने का अभी, फाइंड ऑल तो क्या करने, रिपीट नाउ गोना कॉपी दिस व्हाट, जस्ट चेंज द रिसोर्सेज, तो क्या गेट ऑल ईएमपी करेक्ट, मेथड क्या है वो, और क्या सेम नाम दे सकते हैं, मसला नहीं, गेट ऑल ईएम, ये सब ब्रैकेट कुछ खाली रहेगा ना, क्योंकि सारे एम्प्लॉय दे रहा है, तो पैरामीटर तो पास कर नहीं रहे अपन, और अपन क्या करेंगे अभी इसी नाम से एक फंक्शन बनाएंगे, किसमें, सर्विस में, अब कुछ भी ब्लैंक सब ब्लैंक है राइट, ये बोल रहा फंक्शन बनाओ, फंक्शन बनाया कि नहीं, हाँ यस और नो, तो ये फंक्शन जो है अपने को देगा लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज, ये अपने को क्या देगा, देखो उसका जो आउटपुट आएगा ना वैसा आएगा, देखो ऐसा लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज, देखो ये एक एम्प्लॉय है, ई नंबर, देखो लिस्ट अगर आपने देखा होगा लिंक लिस्ट का, अगर मैंने लिस्ट बनाया है तो वो ऐसे आता है स्क्वायर ब्रैकेट में, यस और नो, तो लिस्ट हमेशा ऐसा आता है, इसका लिस्ट को फॉर्मेट रहता है स्क्वायर ब्रैकेट सारे एलिमेंट्स के अंदर, तो अगर मैंने मांगा लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज मुझे क्या देगा, स्क्वायर ब्रैकेट तो अपनी जगह पे रहेंगे, ठीक है, अब पहला एम्प्लॉय कौन है, एलिस, तो उसका रिकॉर्ड आ जाएगा, ई नंबर वन एलिस, क्या है उसका सैलरी, एलिस है नहीं, फर्स्ट बेनी है, एलिस को डिलीट कर देना, हाउस टेस्टिंग डिलीट, बेनी कितना 1300 कितना, फिर कॉमा, फिर क्या आता, फिर दूसरा रिकॉर्ड आएगा, थ्री, यस थ्री टॉम, और क्या 1500, और फिर कॉमा, और क्या फोर ऑन जेरी कितना 1600, और लास्ट में कुछ भी नहीं है तो ये और आउटपुट आया, क्या आएगा ये, तो ये क्या लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज क्या है, तो मेरा जो ये है गेट ऑल एम्प्लॉयज, उसका एक एम्प्लॉय का लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज है, तो लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज थोड़ी देर रिटर्न टाइप एम्प्लॉय लिस्ट जो है उसको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा अपने को, इम्पोर्ट, आपको इम्पोर्ट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट ओ, कंट्रोल शिफ्ट ओ, तो कंट्रोल शिफ्ट ओ, विच विच वन, विच लिस्ट यू वांट, दिस लिस्ट, तो दिस व्हेन आई गेट ऑल एम्प्लॉयज विल रिटर्न द टू द पोस्ट वन, व्हाट विल इट रिटर्न, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज, सो आई एम कॉलिंग विच फंक्शन, ओके तो सेम थिंग फॉर द कंट्रोलर ऑल्सो, व्हाट विल आई रिटर्न, नॉट अ एम्प्लॉय, आई विल रिटर्न व्हाट, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय,
ओके तो ये कॉल किया, एम्प्लॉय सर्विस में आ गए। अगर आपको जाना है इस फंक्शन में तो कंट्रोल दबाओ, कंट्रोल क्या दबाओ, कंट्रोल दबा के रखो और माउस वहां रखो, देखो वो क्या कर देगा, कलर कर देगा। क्लिक किया वहां चले जाते हो, सर्च करने की जरूरत हो। देखो एम्प्लॉय कंट्रोलर से आई वॉन्ट टू गो टू द बॉडी ऑफ दिस फंक्शन एम्प्लॉय इन द सर्विस क्लास, तो आई हिट द कंट्रोल बटन, प्रेस द कंट्रोल बटन, प्रेस इट एंड देन टेक योर माउस टू द फंक्शन, इट बिकम्स अ हाइपरलिंक, इट बिकम्स अ देन क्लिक, इट गोज टू दैट फंक्शन। नाउ व्हाट आर वी रिटर्निंग, तो व्हिच इज द फंक्शन ऑफ द रिपोजिटरी व्हिच विल गिव गेट गिव दिस फाइंड ऑल, तो क्या है कौन सा फंक्शन है रिपो का, कौन सा फंक्शन है रिपो का, फाइंड ऑल, कैसा फंक्शन है, ऐसे आप लोग को एक्सप्लोर करना है सारा। तो फाइंड ऑल विल रिटर्न मी ऑल द एम्प्लॉयज, दे विल दिस विल रिटर्न लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज टू द कंट्रोलर एंड कंट्रोलर रिटर्न लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज टू द पोस्टमैन। कोई शक और व्हाट इज द यूआरएल, गेट ऑल एम्प्लॉयज, सिर्फ सेव करने का अपने आप वो कर लेगा चेंजेस। मेथड एक वापस लपड़े करा देगा, उसने क्या करा उसने वापस, गेट ऑल एम्प्लॉयज वापस क्या कर दिया उसने, ये इसके इश्यू आ रहे हैं, इसको स्टॉप किया, बंद किया, कई बार सटिया जाता है ये, उसी नाम से फंक्शन है ना, ये बोलता है कि मेरे मेरे सूटे बनाओ, कोई शक, हाँ कोड कुछ भी चेंज नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है अब स्टार्ट करूँगा एप्लीकेशन। और क्या था इसका कंट्रोलर में क्या था, गेट ऑल एम्प्लॉयज राइट, कॉपी किया और पोस्टमैन में पेस्ट किया, कुछ देने की जरूरत नहीं उसके आगे, करेक्ट ऐसा नो, गेट क्या पोस्ट, गेट और सेंड कर देने का आ गए, या देखो फ्रंट एंड को भेज दो, स्विच ऑफ एम्प्लॉयज, कोई शक, तो अब इंसर्ट हो गया, सिलेक्ट हो गया, क्या करते हैं अभी, डिलीट करते, क्या करते हैं डिलीट, तो आई विल पास द आईडी, इट विल रिकॉर्ड, इट विल डिलीट दैट रिकॉर्ड, इट विल डिलीट दैट रिकॉर्ड, ठीक है, तो नाउ लेट्स डू अ डिलीट, ओके। सो इसके लिए जैसे था ना फाइंड बाय आईडी, वैसे क्या है डिलीट बाय आईडी क्या रहेगा, वी हैड फाइंड बाय आईडी नो, कैसा नो, इसी को कॉपी कर रहा हूँ, स्टॉप करता हूँ एप्लीकेशन को, तो वो फॉर्मर में लगने का, ठीक है, क्या करा इधर गया, किस नाम से बनाया, डिलीट एम्प्लॉय आईडी, ओके मेथड क्या रहेगा, मेथड डॉट डिलीट फंक्शन क्या रहेगा, गेट पोस्ट पुट डिलीट, गेट पोस्ट पुट इसको अपडेट, पुट इसको पैच भी है, ठीक है, और फंक्शन क्या रहेगा, डिलीट एम्प्लॉय बाय आईडी, और रिक्वेस्ट पैरा में क्या लूंगा मैं, यहाँ पर किस में आएगा वो पीएन, और मैं क्या करूँगा रिपो का फंक्शन बनाऊंगा, क्या नाम से, ये फंक्शन है क्या, तो इस पर माउस लेके गया, क्रिएट करा, ठीक है, दिस व्हाट विल दिस विल डिलीट द रिकॉर्ड एंड रिटर्न नथिंग, रिटर्न नथिंग, तो इसका रिटर्न टाइप वॉइड रहता है, क्या रहता है रिटर्न टाइप, डिलीट का रिटर्न टाइप वॉइड रहेगा, डिलीट का रिटर्न टाइप वॉइड रहेगा, वॉइड, तो इसके लिए अपने कंट्रोलर में भी ना अपन एम्प्लॉय नहीं रिटर्न करेंगे, हम क्या करेंगे, ओके अपन एक स्ट्रिंग कर देंगे रिटर्न, क्या कर देंगे एक स्ट्रिंग, क्या बोल के यहाँ रिटर्न निकाल देंगे, और क्या रिटर्न कर देंगे, डेटा डिलीटेड सक्सेसफुली, ओके ये स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा, और अपने को सर्विस में गए ये अपने को कुछ भी देगा नहीं, क्या देगा नहीं, वॉइड देगा ये, ओके okay, और क्या करने का अभी, ई एम पी रिपो का फंक्शन कॉल करो, क्या डिलीट, क्या डिलीट बाय आईडी, कौन सा
कुछ वापस देने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ से कुछ वापस नहीं आएगा, कुछ वापस लिया नहीं मैंने LHS में, LHS खाली है पूरा, क्या कर दूंगा डिस्प्ले डिजिटेड सक्सेस, सेव किया, रन किया, क्या आईडी है डिलीट एम्प्लॉय आईडी, और क्या पास करने का क्वेश्चन मार्क, EN इक्वल्स हाउ टू डिलीट स्मिथ, डिलीट व्हाट, क्या किया मैंने और मेथड क्या, तो डिलीट एमपी आईडी EN ऑफ 5 और सेंड किया, क्या है रिकॉर्ड डेटा डिलीटेड सक्सेसफुली, आप यहाँ जाके देखो स्मिथ का काम तमाम हो चुका है। ठीक, अब मैं अगर करूँ गेट ऑल एम्प्लॉयज बाय आईडी, तो ठीक है, तो अभी अगर मैं क्या था अपना सबसे पहले वाला गेट ऑल एम्प्लॉयज, अगर मैं ये करूँ तो अभी और क्या था वो गेट था, तो अभी सिर्फ 3 आएंगे। वैसे आपने को APIs लिख के देने, फ्रंट एंड टीम उसको कॉल करेगी और लगाएगी, ठीक है। अब सबसे काम का है अपडेट, तो काम क्या है मैं उसको दूंगा, देखो अपडेट पे क्या होता है समझो इसको, हाँ अपडेट पे क्या होता है समझने की बात है, ठीक है। सो नाउ वी आर डूइंग अपडेट वाला, ठीक है, अपडेट बाय आईडी, अपडेट बाय आईडी, तो यू हैव टू प्रोवाइड द आईडी एंड द न्यू वैल्यूज व्हाट यू वांट टू अपडेट, तो व्हाट द कस्टमर विल प्रोवाइड, ठीक है। तो ये अपना UI इनपुट क्या देता हूं मैं, या UI EMP क्या दिया मैंने, UI EMP, UI EMP क्या देगा, पहले तो वो देगा ID, क्या देगा Employee नंबर देगा जिसको अपने को अपडेट करना है, वो आएगा पाथ वेरिएबल रिक्वेस्ट ये कुछ भी आता, और फिर वो रिक्वेस्ट बॉडी से भेजेगा, तो यहाँ उसने भेजा समझो 3, क्या भेजा उसने, मतलब वो किसको करा अपडेट 3 को, अब 3 का वो नाम टॉम से टॉमी कर रहा है और 1500 से कर रहा है 15000, क्या कर रहा है, तो नया नाम और नया सैलरी भेजेगा अपने को, तो नया नाम क्या है टॉमी, और नई सैलरी क्या है, ये दो चीजें आएंगी, हाँ याद रखना, अपडेट का लॉजिक थोड़ा सा ओरिजिनल आएगा, और सैल कितने आएगी 15000, ये 15-15 में कंफ्यूज हो जाएगा, 999 कर देगा सही, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए क्या हो गया आपको, और टॉमी को भी कर देते हैं जेड 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 जेड, ताकि दिखते समझ जाएगी सर, हाँ सर अपडेट हो गया है, ये सर हमारा स्ट्रेन मेरा टॉम है, टॉमी है कुछ स्ट्रेन और आईज जेड 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 999 दिखा रहा था, तो कितनी चीजें पास करनी है अपने को, तो ये जो डेटा आएगा इसको मैं बोलूंगा UIEMP ऑब्जेक्ट, क्या नाम बोलूंगा इसको मैं, जो यूजर इंटरफेस से मुझे EMP ऑब्जेक्ट मिल रहा है वो, और ये मेरा तो पाथ वेरिएबल से आओ या रिक्वेस्ट पैरम से आओ, ये अलग अलग आएंगे, ठीक है। अब मेरा काम क्या होगा, सबसे पहला मेरा काम होगा फाइंड बाय आईडी करने का, क्या करने का, तो 3 में भेजूंगा फाइंड बाय आईडी, मुझे क्या लाके देगा वो मुझे लाके देगा, ये क्या लाके देगा मुझे, जब मैं 3 को फाइंड बाय आईडी करके भेजूंगा तो मुझे क्या लाके देगा वो, ये रिकॉर्ड, इसको मैं बोलूंगा डीबी ऑब्जेक्ट, क्या बोलूंगा, डेटाबेस से जो ऑब्जेक्ट आया, एक ऑब्जेक्ट कहाँ से आया, UI से, वो अपने को सेट करना है, अरे अपन ने फेच किए एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट, वो किससे करे, उसको क्या बोलूंगा मैं, क्या बोलूंगा इसको, DB ऑब्जेक्ट, कोई शक, अब DB ऑब्जेक्ट का क्या सेट करना है अपने को, नेम और सेल, तो कैसे करेंगे, DB ऑब्जेक्ट डॉट सेट नेम है क्या, नहीं किससे करेंगे सेट नेम उसको, जेड 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 से, जेड जेड क्या है, UIEMP ऑब्जेक्ट डॉट गेट ई नेम, गेट और सेट ना, क्या करेंगे तो उसका नाम है UI ऑब्जेक्ट, क्या देंगे, DB ऑब्जेक्ट और UI ऑब्जेक्ट, तो UI ऑब्जेक्ट डॉट क्या, गेट
ई नेम, तो उसका ई नेम क्या था, जेड जेड, वो क्या बन गया डेटा ऑब्जेक्ट का। तो अभी यहां पर क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट का टॉमी निकल गया और क्या आ गया इधर, यस नो मे बी और वापस बोलो डीबी डॉट डीबी ऑब्जेक्ट का डॉट सेट सेट सेल किससे, यूआई ऑब्जेक्ट डॉट गेट सेल। तो क्या है यूआई ऑब्जेक्ट का सेल कितना है, 999 के तो है ना, 999 का चला जाएगा वो। अरे कोई शक, और हम अभी ये डीबी ऑब्जेक्ट को सेव कर देंगे, क्या कर देंगे, क्या कर देंगे, ईएमपी रिपो डॉट सेव, क्या नया नया ऑब्जेक्ट, क्या है नया ऑब्जेक्ट जो हो गया, अपडेट कौन सा है, विच ऑब्जेक्ट वर अपडेटेड, डीबी ऑब्जेक्ट राइट, एंड वी विल रिटर्न दिस, एंड व्हाट वी विल डू, रिटर्न दिस, तो व्हेन ही पासेस मी 3 आई विल रिटर्न हिम 3ZZZ999। पहले मैं फाइंड बाय आईडी करूंगा, डेटाबेस का ऑब्जेक्ट लूंगा, उसको सेट करूंगा, उसको फिर रिटर्न करूंगा, कोई शक, चलो इज द पाथ क्लियर। सो क्या करने का अपने को सबसे पहले, ठीक है, एक फंक्शन बनाएगी जो अपने को क्या रिटर्न करेगा, एम्प्लॉय ना, बिकॉज़ वी अपडेटिंग है पासिंग द लेटेस्ट अपडेटेड रिकॉर्ड, और क्या अपडेट emp by id, yes or no, इसको क्या देने का रिक्वेस्ट कर रहा हूं, रिक्वेस्ट मैपिंग क्या देने का, इसको वैल्यू इक्वल्स टू सेम थिंग, कोई बड़ी बात नहीं, सब जगह सेम देने का, एंड व्हाट मेथड डू यू हैव टू गिव, पुट ड्यूरिंग अपडेट राइट, तो अपडेट क्या होता, व्हाट इज अपडेट, पुट, एंड व्हाट आर वी गोइंग टू पास, यू वांट टू टेक द आईडी इन द पाथ और इन द रिक्वेस्ट पैरर, क्वेश्चन मार्क या स्लैश, क्वेश्चन मार्क, तो क्या करने का इधर, एट द रेट रिक्वेस्ट पैरम, क्या नाम देने का वहां से, ई एन, वहां से क्या आएगा, और मेरे प्रोग्राम में क्या यूज करूंगा उसको मैं, इंटीजर ई नंबर, कोई शक, व्हाट इज दिस रिटर्निंग, ये लाइन क्यों दिखा रहा, क्योंकि इसने क्या प्रॉमिस किया है रिटर्न, वो रिटर्न नहीं कर रहा है, इसके लिए वो एरर दिखा रहा, ठीक है, वो छोड़ देने का। अब क्या करने, सबसे पहले सर्विस का फंक्शन कॉल करने, क्या करने का, क्या करेंगे, एम्प्लॉय सर्विस का फंक्शन कॉल करेंगे, क्या नाम का, वही नाम का, और क्या पास कर दें, ओके, तो अपनी बॉडी में आएंगे ना, क्या आएंगी, रिक्वेस्ट बॉडी में आएंगे ना, दो चीजें आएंगे ना अपने को, ये क्या है, आई ऑब्जेक्ट क्या है, तो लिया नहीं अपन ने, यूआई ऑब्जेक्ट लिया ना, ठीक है, तो ये रिक्वेस्ट पैरम ये आएगा, और एट द रेट रिक्वेस्ट बॉडी, कौन से क्लास का ऑब्जेक्ट आ रहा है रिक्वेस्ट बॉडी में, एम्प्लॉय क्लास का, और क्या नाम दे रहे अपन उसको, यूआई ऑब्जेक्ट, अरे कोई शक, और फिर जब हम करेंगे अपडेट बाय एम्प्लॉय जब, तो क्या पास कर देंगे उसको अपन, ये नंबर और यूआई ऑब्जेक्ट पास कर, तो क्या पास किया सर्विस को मैंने, ये नंबर जो मेरा ये आया और जो मेरे ऑब्जेक्ट यूआई से आया, ठीक है, अब इसको करेंगे अपन, आ गया, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट करना है अपने को, फाइंड बाय आईडी मार के ये एम्प्लॉय नंबर का रिकॉर्ड निकालना है, यस और नो, सो रिटर्न मी एन एम्प्लॉय राइट, ओके, तो क्या करूंगा मैं, एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, क्या नाम से, डीबी ऑब्जेक्ट ना, तो क्या करूंगा, EMP रिपो का
फंक्शन कॉल करूंगा क्या, फाइंड बाय आईडी, यस और नो, फाइंड बाय, तो फाइंड बाय आईडी किस किसके लिए, ये नंबर उसका करूंगा गेट, क्या करूंगा उसको मैं गेट, क्या करूंगा उसका, तो मुझे क्या दे देगा वो, डेटाबेस से एम्प्लॉय, इस एम्प्लॉय का रिकॉर्ड है ना, मुझे वो ये दे देगा। तो मैं चार पास किया, तो चार जेरी और 1600। अब क्या करना है अपने को, इस डीबी ऑब्जेक्ट का क्या करना है अपने को, सेट द ई नेम विथ व्हाट, जो मैंने यू ऑब्जेक्ट पास किया है उसका क्या, गेट ई नेम से है क्या नहीं, और फिर डीबी ऑब्जेक्ट का सेट सेल किससे, जो मेरा यूआई यूआई ऑब्जेक्ट डॉट गेट सेल, तो और क्या करूंगा, जो एम्प्लॉय सर्विस डॉट क्या सेव करूंगा, क्या इसको चेंजेस किस में आ गए, और उसको रिटर्न कर देंगे, क्या कर देंगे उसको रिटर्न, पीएमपी सर्विस, पीएमपी रिपो, सेव फंक्शन किसका है, और उसको रिटर्न कर दिया, किस टाइप का है, एम्प्लॉय का, वो आएगा कंट्रोलर में, तो वहां से इसने रिटर्न कर दिया, वो आपको रिटर्न कर देगा, कोई शक, ठीक है, सेव किया, लेट्स स्टॉप इट, एंड रीस्टार्ट इट, ऐसे तो करता ही है, फिर तो अपना तसल्ली कर लेंगे, तो क्या दिया आपने, अपडेट एम्प्लॉय बाय आईडी, ओके, मेथड क्या दिया, गुड, क्वेश्चन मार्क, ई एन किसको करना है, अपने को अपडेट, अपने को अपडेट करना है बेनी को, किसको करना है बेनी, बेन का ई एन क्या है, वन, और हेडर में जाके नया वैल्यू पास करेंगे अपन बॉडी में, तो ये बॉडी को अपन अरेंज करते हैं, क्या हो जाए, पोस्टमैन को लेकर काम कर रहा है, ठीक है, नाउ लेट्स डू अ फुट में गए, बॉडी में गए, तो क्या ये मैं दे रहा हूँ उसका ऑब्जेक्ट, क्या पास कर रहे हैं अपन, यू आई ऑब्जेक्ट क्या है, ई नेम जेड जेड एड सैलरी 999, राइट, तो ई नेम जेड 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 कॉमा सैलरी 999, ठीक है, कौन सा एपीआई कॉल कर रहा हूँ, अपडेट एम्प्लॉय बाय आईडी, ठीक है, कर रहा हूँ, और उसको ईएन क्या पास कर रहा हूँ, वन, तो वन से सर्च करके लेके आएगा, क्या मिलेगा उसको, वन बेनी और 1300, फिर क्या करेगा, वन बेनी 1300 का क्या हो गया, ये ऐसा डबल कोड ऐसा क्यों हो रही है, तो इसमें आता है कोलन, इसमें क्या आता है कोलन, फिर उसने क्या फेच करके लाया, वन बेनी 1300, वो वन बेनी 1300 किसमें आ गया, किसमें आ गया, वन बेनी 1300 डीबी ऑब्जेक्ट, और उसका ऑपरेटिव क्या सेट कर दिया, नाम और सेल किससे, जो यो ऑब्जेक्ट का नेम और सेल है, तो यो ऑब्जेक्ट का नेम और सेल क्या है, और फिर इसको सेव कर दिए, और जो सेव करके क्या कर दिए, रिटर्न कर दिए, तो अपने को नीचे क्या आ जाएगा, 1 ZZ 999, ठीक है,
स्टार्ट हो गया। आया 1ZZZ999 जाके चेक कर लो डेटाबेस में। 1 Benny 1300 था, क्या हो गया ये अपना, क्या हो गया अपडेट एपीआई।